निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवां माली साल की पहली समाही में जो टैक्स इकट्ठा किया है वो IMF के हदफ से ज्यादा है और इस अरसे के दौरान IMF के प्रोग्राम पर मौसर तरीके से अमल किया गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर खजाना ने कहा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया 279 रुपए के साथ मजबूत हो गया है और इसकी कदर में 8% की बेहतरी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए पर पहुंच गया था और ओपन मार्केट में इससे ज्यादा था। उनका कहना था कि जब ये मसला आया तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमें पता था कि डॉलर की गैर कानूनी स्मगलिंग और गलत इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद एक्सचेंज कंपनियों में इस्लाहात की गई और अब ये मामला कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि हमें गैर कानूनी करेंसी के इस्तेमाल पर लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम रखने में हम जाहिर इकदाम नहीं कर सकते, एक्सचेंज रेट का तयन मार्केट ही करती है, लेकिन हमारी करेंसी का गलत इस्तेमाल गैर कानूनी है और इसको रोकना तमाम हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। शमशाद अख्तर ने कहा कि एंटी स्मगलिंग की मुहिम पर बहुत तवज्जो दी जा रही है और गैर कानूनी लेन देन और जखीरा अंदोजी को काबू किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम आए थे तो महंगाई बहुत ज्यादा थी। मैं ये नहीं कहती कि हमने महंगाई खत्म कर दी, लेकिन हमने इसे काबू में लाने की कोशिश की है और इस वक्त महंगाई नीचे की जानिब गामजन है। उनका कहना था कि FBR ने रवा माली साल की पहली समाही में जो टैक्स इकट्ठा किया है वो IMF के हदफ से ज्यादा है। मैंने इन्हें रेवेन्यू मजीद बढ़ाने का कहा है क्योंकि हुकूमत चलाने के लिए पैसा चाहिए। निगरान वजीर खजाना ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने जिन इस्लाहात का कहा था हम इन पर तेजी से अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं और पहली समाही के दौरान IMF के प्रोग्राम पर मौसर तरीके से अमल किया है। उनका कहना था कि IMF की टीम 2 तारीख को पाकिस्तान आ रही है और वजारत खजाना की टीम और दीगर वजारतें इन्हें प्रोग्राम के हवाले से आगाह करेंगी। हमने इनकी तमाम चीज़ों पर बारीक बीनी से अमल किया है।